बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक अपनी मांग के समर्थन में 17 फरवरी से ही हड़ताल पर हैं। नियोजित शिक्षकों के आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने हर तिकड़म अपना लिया, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। नियोजित शिक्षक आंदोलन पर अडिग हैं और कह रहे हैं कि वे लोग एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाले, सरकार चाहे जो भी हथकंडा अपना ले, वे अडिग हैं और डरने वाले नहीं हैं। नियोजित शिक्षकों का कहना है कि जब तक समान काम के लिए समान वेतन की जो उनकी मांग है उस पर सरकार ध्यान नहीं देती है, तब तक उनकी हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। नियोजित शिक्षकों ने मैट्रिक परीक्षा को भी बाधित करने की भरपूर कोशिश की है, हालांकि सरकार मैट्रिक परीक्षा के सफल संचालन को लेकर दूसरे डिपार्टमेंट से कर्मियों को ड्यूटी में लगाया है। नीतीश सरकार नियोजित शिक्षकों को एक साथ पेट और पीठ पर चोट कर रही है। सरकार ने सबसे पहले नियोजित शिक्षकों को चेतावनी दी कि जो भी हड़ताल पर जाएंगे उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी, उन्हें सस्पेंड से लेकर निलंबित किया जाएगा। इतना ही नहीं, स्कूल बंद कराने वाले मैट्रिक परीक्षा में खलल डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी भी होगी। पटना एवं अन्य जिलों में शिक्षकों की बर्खास्तगी की कार्रवाई भी हुई। सहरसा में एक ही दिन में 3 आंदोलनकारी शिक्षक पर केस दर्ज हुआ है। बेगूसराय में एक शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इसके बाद भी जब आंदोलनरत नियोजित शिक्षक नहीं माने तो सरकार ने नया फरमान सुना दिया कि बर्खास्तगी के बाद खाली हुए सीट पर इस नियोजन प्रक्रिया में बहाली कर ली जाएगी। इससे भी सफलता नहीं मिली तब अंत में सरकार ने नियोजित शिक्षकों का जनवरी और फरवरी का वेतन बंद करने का फरमान सुना दिया है। नीतीश सरकार हर तिकड़म अपना रही है ताकि नियोजित शिक्षक अपने आंदोलन को वापस लें, बावजूद इसके आंदोलनकारी शिक्षक अब भी अडिग हैं। आज हड़ताल का 4th दिन है, लेकिन शिक्षक अपने ड्यूटी पर आने को तैयार नहीं है। लिहाजा करीब 25,000 स्कूलों में पढ़ाई बाधित हो गई है, MDM बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। News4 Nation की रिपोर्ट।